बताओ अंजुन, तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच अंकल, इतना सब कुछ करने के लिए। कोई बात नहीं, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। बहुत जल्दी मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिलने वाली है और उसके बाद मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक योर जॉब। वैसे किस कंपनी में तुमने जॉब इंटरव्यू दिया है? Why? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हमने बहुत सी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, इसीलिए मैं जानना चाहता था। POSCO Holdings। नाइस, अच्छी कंपनी है। हेलो, मैं जियोन जोंगकुक बोल रहा हूँ। यस मिस्टर जियोन, तुम्हारी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अभी इंटरव्यू हुए? यस मिस्टर जियोन, उसमें एक नाम होगा, पार्क जिमिन। यस सर। क्या उसका सिलेक्शन हो गया? यस सर, उसका सिलेक्शन हो गया है। मैं चाहता हूँ कि उसे वहाँ पर जॉब ना मिले, तुम उसे रिजेक्ट कर दो। लेकिन क्यों सर? मैंने जो तुमसे कहा है वो करो, समझे ना? ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। मॉम डैड, आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच बेटा। तो बताइए, आज हम आपकी वेडिंग एनिवर्सरी को कैसे सेलिब्रेट करें? क्या हम एक छोटी सी पार्टी रखें? नहीं बेटा, हम सिर्फ घर में सेलिब्रेट कर लेंगे। अच्छा फिर ठीक है, आज मॉम और डैड की पसंद का खाना ही बनाएंगे और सब कुछ मैं ही बनाऊंगी, ठीक है ना मॉम? आप कुछ भी नहीं करेंगी। मॉम, क्या हम जोंगकुक को अप्पा और शुगा अप्पा को भी बुला लें? ठीक है बेटा, उन्हें बुला लो। जिमिन, देखना डोर पर कौन है। ओके मॉम, मैं देखती हूँ। हेलो। यस कहिए, ये एड्रेस आपका ही है? हाँ, ये यही का एड्रेस है। ये रहा आपका पार्सल। लेकिन ये किसने भेजे? वो हमें नहीं पता, बस हमें यहाँ का एड्रेस बताया था। ये सब मैं अंदर धर देता हूँ। कौन हो सकता है और ये सब किसने भेजे? सुनिए, आपका पार्सल आया है। ये फ्लावर, आखिर ये सब किसने भेजे हैं? I don't know mom, मुझे भी नहीं पता ये सब किसने भेजे, लेकिन ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। हेलो, तुम्हें फ्लावर्स पसंद आए? वो सब तुमने भेजे थे? बिल्कुल, क्यों? तुम्हें नहीं पता? मुझे कैसे पता होता? वहाँ तो कोई नाम ही नहीं था जिसने फ्लावर भेजे हैं, क्योंकि वो एक सरप्राइज था। कैसे लगे तुम्हें फ्लावर? बहुत ही सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैसे तुम कब आ रहे हो? क्यों, मेरा वेट कर रही हो? नहीं तो, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। तो फिर ठीक है, मैं नहीं आता। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मुझे मिस नहीं कर रही और ना ही मेरा वेट कर रही हो। ऐसा नहीं है। इसका मतलब तुम मुझे मिस कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा काम है, उसे खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। जिमिन, हाँ, आई लव यू टू। जिमिन, यस मॉम, हमें तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हारे डैड के ट्रीटमेंट को लेकर कोई बात है। यस मॉम, बताइए। जिमिन, जेनी। हेलो अंकल आंटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आंटी, क्या मैं जिमिन को थोड़ी देर अपने साथ ले जा सकती हूँ? मेरे फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी है। लेकिन जेनी, मैं नहीं जा सकती, आज मॉम डैड की शादी की सालगिरह है। सच में? कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल आंटी। थैंक यू सो मच बेटा। बस थोड़ी देर की बात है आंटी, क्या मैं जिमिन को अपने साथ ले जाऊँ? ठीक है जाओ, जल्दी से आ जाना। वैसे
और सब कैसा है? तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? वो ठीक हैं। अगर गलती से मॉम ने जेनी से ज्यादा बात कर और अगर उन्हें उस रात के बारे में पता चल गया कि मैं जेनी के घर नहीं गई थी तो फिर मैं गई काम से। चलो जेनी, जल्दी से चलते हैं, मुझे वापस भी आना है। ठीक है, चलते हैं। बाय अंकल आंटी। वैसे मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसी जगह आना ज्यादा पसंद नहीं है। आई नो, बट कभी कभी लाइफ को थोड़ा एंजॉय भी कर लेना चाहिए। अच्छा, वैसे मैं एक बात तो तुमसे पूछना भूल ही गई। योंजन कहाँ पर है? मैंने उसे नहीं देखा घर पर। वो अमेरिका गया है। अमेरिका? लेकिन क्यों? अपनी स्टडी के लिए। लेकिन वो तो यहाँ कॉलेज में पढ़ रहा था ना? एक्चुअली उसकी एक फ्रेंड है जो अमेरिका जा रही थी, इसलिए वो भी उसके साथ चला गया। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो, वो उसे बहुत पसंद करता है। वैसे तुम्हारी लाइफ में कोई आया? वैसे तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कोई तो है, बताओ कौन है वो? वो एक माफिया है। सीरियसली, तुम्हें एक माफिया से प्यार हुआ है? तुम मजाक कर रही हो? नहीं, वो सच में एक माफिया है। वैसे जैसा तुम सोच रही हो वो बिल्कुल ऐसा नहीं। फर्स्ट टाइम जब मैं उससे मिली थी तो मुझे उसके बारे में पता चला तो मुझे भी लगा पता नहीं वो कैसा होगा, लेकिन वो बहुत अच्छा है। अच्छा, वैसे कब मिलवा रही हो तुम मुझे उससे? जब तुम चाहो। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ अब, मुझे देर हो जाएगी। ओके बाय। हेलो ब्यूटीफुल, कहाँ जा रही हो? हमारे साथ चलो, दफा हो जाओ यहाँ से, समझे ना? नहीं, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ चलो, हम ड्रिंक करेंगे और कुछ मजे करेंगे। छोड़ो मुझे, लीव मी अलोन। तुम ठीक हो ना? यस, आई एम ओके, थैंक यू सो मच। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए, मौसम बहुत खराब हो रहा है। ओके। वेलकम बेटा। थैंक यू आंटी। ते कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। हेलो शुगा उप्पा। हेलो ते। ते जिमिन कहाँ है? वो अपनी फ्रेंड के साथ एक पार्टी में गई है। मॉम, आपको पता है बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा है, लगता है बारिश और बहुत तेज तूफान आएगा। तुम कब आए? मेरा मतलब है आप कब आए? फिर वैसे कहाँ थी तुम इतनी देर से? वो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी, बस थोड़ी देर के लिए। तुम्हें इतनी रात में अकेले घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। वो तो मैं बस थोड़ी देर के लिए गई थी। तुम इतनी लापरवाह नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? और वैसे भी तुम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, तो ठीक है ना? तुम्हें अपना ध्यान रखना है। और हाँ, अगर तुम ऐसे कहीं भी जाती हो तो उससे पहले तुम मुझे बताओगी। अच्छा ठीक है, चलो खाना खाते। जिमिन, किसकी कॉल है? मॉम, योंजुन की वीडियो कॉल है। मॉम डैड कहाँ है? मॉम डैड, आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू बेटा। आंटी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच बेटा। तुम्हें याद थी मॉम डैड की एनिवर्सरी? बिल्कुल, मुझे तो याद थी, लगता है तुम भूल गई होगी। नहीं तो हियोंग, आप भी वहाँ पर हो? कैसी हो लिसा? मैं ठीक हूँ। डैड कहाँ पर है? वो ऑफिस गए हैं। हियोंग, कैसी हो ते? मैं अच्छी हूँ। तुम ठीक हो ना योंजुन? यस मॉम, मैं ठीक हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है।
और मैं तो कहता हूँ आप सबको भी यहाँ पर आना चाहिए। बाय मॉम डैड, हमें कॉलेज जाना है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। सच में आंटी, खाना बहुत टेस्टी है। वैसे ये खाना मैंने नहीं, जिमी ने बनाया है। बस मैंने तो थोड़ा बहुत ही बनाया है। वैसे मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो। अगर मुझे पता होता तो उस दिन तुम ही खाना बनाती। वो तो तुम्हारी तरफ से ही था ना, और वैसे भी थोड़ा सा तो खाना बनाया था तुमने। वैसे तुम्हारे हाथ खाऊं? क्यों? मैं उन्हें किस करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने इतना टेस्टी खाना जो बनाया है। ऐसा कुछ मत करना, मॉम डैड बैठे हुए हैं। थैंक यू फॉर डिनर आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है बेटा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके शुगा उप्पा, आप जा रहे हो? यस ते, आई एम सो सॉरी ते, मैं कल आ नहीं पाया। गुड नाइट ते, मैं कल तुम्हारा वेट करूंगा। तुम आओगी ना? मॉम मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। जिमिन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मॉम, आप मुझे क्या बता रही थी? हॉस्पिटल वालों ने हमें सजेस्ट किया है तुम्हारे डैड की ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका में। अमेरिका? इतनी दूर क्यों मॉम? यहाँ पे डैड का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उन्होंने हमें वहीं जाने की सलाह दी है, और सारा खर्चा हॉस्पिटल वालों की तरफ से ही होगा। लेकिन हम तुम्हें और ते को छोड़कर इतनी दूर जाना नहीं चाहते। तुम्हारे डैड और हमने सोचा है कि हम नहीं जाएंगे। वैसे भी तुम्हें अकेला छोड़कर ऐसे हम कैसे जा सकते हैं, वो भी इतनी दूर। ठीक है आंटी, तो मैं चलता हूँ। वैसे बेटा तुम आज रात यही रुक जाओ, मौसम बहुत खराब है, ऐसे में ड्राइविंग करना ठीक नहीं। गुड नाइट मॉम डैड। गुड नाइट बेटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने रूम में जाओ। तुम नहीं चाहती तुम्हारे डैड ठीक हो? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं क्यों नहीं चाहूंगी मेरे डैड ठीक हो जाए? तो फिर तुमने क्यों नहीं कहा कि वो जाए? वो खुद ही जाना नहीं चाहते, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो इस मारे नहीं जा रहे क्योंकि तुम्हें वो अकेला नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन तुम्हें उनसे कहना चाहिए था। अच्छा ठीक है, मैं मॉम डैड से सुबह बात करूंगी इस बारे में। ओके चलो अब जाओ अपने रूम में। देखो मॉम डैड को पता है तुम इस वक्त घर में हो, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। तुम्हारे इतने करीब रहकर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम नहीं जाओगे? ठीक है मत जाओ। क्या हुआ, तुम सो नहीं रहे? मुझे नींद नहीं आ रही, क्या तुम मुझे सुलाओगी? मैं? लेकिन कैसे? मुझे प्यार करके? अच्छा ठीक है, अच्छे से सो जाओ माय बेबी। बेबी? मैं तुम्हें बेबी लगता हूँ? तुम बहुत प्यारे और क्यूट हो, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अच्छा तो मैं तुम्हारा बेबी हूँ ना? बेबी को भूख लगी है, लेकिन तुमने खाना तो खाया था। बेबी को मिल्क चाहिए इस टाइम। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। वेट, कहाँ पे जा रही हो? सुमी ने तो कहा तुम्हें मिल्क चाहिए, तो मैं वही लेने जा रही हूँ। मैं तुम्हारा बेबी हूँ, तो बेबी को तुम्हारा मिल्क चाहिए। क्या ऐसा चौंकू, ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों, क्या हुआ? ये बहुत एम्बैरेसिंग है। मुझे कुछ नहीं पता, तुमने मुझे बेबी कहा है और मुझे वो चाहिए। मुझे शर्म आ रही है, तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं। जो तुम्हारा है वो अक्सर मेरा भी है। और अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो फिर जाऊंगू? क्या कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है। जाऊंगू प्लीज।